हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्लांट और स्टेप को प्रिपेयर किया जाता है। ये बात तो आप जानते हैं कि स्लांट और स्टेप का यूज कल्चर को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्लांट और स्टेप दोनों ही न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर किया जाता है। इनके लिए एक अलग प्रकार की टेस्ट ट्यूब्स होती है जिन्हें हम कल्चर ट्यूब्स कहते हैं और उन कल्चर ट्यूब का यूज करते हैं। कल्चर ट्यूब में हम न्यूट्रिएंट अगार पोर करके ऑटोक्लेव कर लेते हैं। फिर स्टेप के लिए हम इसे स्टेबल रख देते हैं जिससे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है। वहीं स्लांट प्रिपेयर करने के लिए कल्चर मीडिया को हम थोड़ा एंकलाइड पोजिशन पर रखते हैं जिससे कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा बने और वह स्लांट पोजीशन पर रहकर स्लांट प्रिपेयर करे। फिर हमें जो कॉलोनी या जो बैक्टीरिया का कल्चर करना होता है या प्रिजर्व करना होता है उसे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए भी हमें इकोलाई को प्रिजर्व करना है तो वो आइसोलेट सेल्स को लिया जाता है। अब प्रिजर्वेशन के लिए दो चीजों से हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि या तो कल्चर हमारा जो हो वो न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पर हो या ब्रॉथ पर हो। स्लांट में कॉलोनी जिसका हमें कल्चर करना हो या जिसे प्रिजर्व करना हो उसे कैसे किया जाता है उसकी प्रोसेस हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमें इकोलाई का प्रिजर्वेशन करना हो और उसका स्लांट तैयार करना हो तो इकोलाई या तो हमारे पास ब्रॉथ मीडिया में होना चाहिए या अगार प्लेट पर होना चाहिए। वैसे जिस कॉलोनी को हमें कल्चर करना होता है वो कॉलोनी यदि आइसोलेट फॉर्म में हो या प्यूरीफॉर्म में हो तो ज्यादा आसानी होती है कल्चर करने के लिए। पहले ये हम बात करते हैं कि अगार प्लेट से कैसे स्लांट तैयार किया जाता है। तो अगार प्लेट पर ग्रो हुई कॉलोनी को हम पिक करते हैं और स्लांट पर स्ट्रिक कर देते हैं। जिगजैग मोशन में स्ट्रिकिंग करने से उसे ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है जिससे वो अच्छे से ग्रो होती है। वहीं यदि हमें ब्रॉथ से कोई कॉलोनी को कल्चर करना होता है तो ब्रॉथ से हम लूप फुल कल्चर लेते हैं और उसे ही सेम स्ट्रिकिंग की मेथड द्वारा हम स्लांट पर स्ट्रिक कर देते हैं। फिर स्लांट को हम इंक्यूबेट करते हैं और 24 आवर्स से 48 आवर्स में उसकी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रोथ आने के बाद इसे एयर टाइट पैक करके हम रेफ्रिजरेशन के लिए रख सकते हैं। स्लांट को हम कम से कम 3 महीने तक अच्छे से प्रिजर्व रख सकते हैं, कभी कभी ये 1 साल तक भी प्रिजर्व हो जाते हैं। फिर इन्हें फिर से रिवाइव किया जाता है। रिवाइव करना यानी कि इस कल्चर से दूसरा नया कल्चर तैयार करना। तो रिवाइविंग के प्रोसीजर में भी ब्रॉथ के लिए और अगार के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। यदि आप स्लांट से वापस स्लांट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उससे स्लांट से स्क्रैप करके लूप फुल कल्चर लेकर दूसरे स्लांट पर जिगजैग मोशन में स्ट्रिकिंग कर दें। और यदि ब्रॉथ से करना चाहते हैं तो स्लांट का एक पीस जिस पर ग्रोथ हो उसे हम ब्रॉथ में इनोकुलेट कर देते हैं जिससे कि पूरे कल्चर में यूनिफॉर्मली ग्रोथ होती है। आई होप कि आपको स्लांट बनाने की मेथड समझ में। अब हम स्टेप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी बात करते हैं। स्लांट की तरह ही स्टेप को भी प्रिपेयर किया जाता है। इसमें वायर लूप का यूज करके हम लूप फुल कल्चर लेकर सेंटर में यानी कि जो स्टेप है उसके सेंटर में इनोकुलेट करते हैं। इसमें जिगजैग मोशन में स्ट्रिकिंग नहीं की जाती। वो कल्चर ब्रॉथ का हो या अगार से आइसोलेट किया हो दोनों की प्रोसीजर सेम होती है। सेम इसे टेम्परेचर पर ऐसे इंक्यूबेट किया जाता है और वैसे ही पूरा एयर टाइट पैक करके प्रिजर्व किया जाता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।